रस का परिचय। बच्चों, इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे कि रस किसे कहते हैं, रस के अंग कौन कौन से होते हैं, रस के कितने भेद होते हैं। अरे देखो, यहाँ कितनी अच्छी पुस्तकें मिल रही हैं। मैं तो यहाँ से वीर रस की कविताओं की पुस्तक लूंगी। सुरभि, रस किसे कहते हैं? सुरभि, मुझे भी रस के बारे में नहीं पता। पापा ने कल ही मुझे रस के बारे में बताया है, मैं तुम्हें उसके बारे में बताती हूँ। रस का संबंध मनुष्य के भाव जगत से है। जब पाठक, श्रोता या दर्शक को किसी रचना को पढ़ने, सुनने अथवा मंच पर अभिनीत होते देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, उसे साहित्य में रस कहा जाता है। जब पाठक या श्रोता को अपने व्यक्तित्व का एहसास नहीं रहता, वह साहित्य में इतना आत्मविभोर हो जाता है कि वह अपने परिवेश को भूल जाता है। साहित्य में आत्मविभोर हुए पाठक को जो आनंद की अनुभूति होती है, वह रस है। संक्षेप में कहा जाए तो साहित्य या काव्य पठन से जिस आनंद की प्राप्ति होती है, उसे रस कहते हैं। रस के चार अंग होते हैं। एक, स्थायी भाव। अधिकांश लोगों के मन में जन्मजात कुछ ऐसे भाव रहते हैं जिनका धीरे धीरे विकास होता है। ये भाव मानव मन में स्थायी या अस्थायी तौर पर रहते हैं। शोक, क्रोध, प्रेम, घृणा, भय, विस्मय, हास्य आदि ऐसे स्थायी भाव हैं जो मानव मन में सुप्तावस्था में रहते हैं और समयानुसार जागृत हो जाते हैं। स्थायी भावों को जागृत करने वाली सामग्री को विभाव कहते हैं। स्थायी भाव ही अभिव्यक्त होकर रस में बदलता है। दो, विभाव। स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव का शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से भावों को जागृत करने वाले स्थायी भाव सुप्तावस्था में होते हैं। विभाव उन्हें जागृत करने का कार्य करते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं, क, आलंबन विभाव, ख, उद्दीपन विभाव। क, आलंबन विभाव। आलंबन का अर्थ है आधार या सहारा, अर्थात जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहा जाता है। जैसे नायक नायिका। आलंबन विभाव के दो पक्ष होते हैं, एक, आश्रयालंबन, दो, विषयालंबन। जिसके मन में भाव जागृत हो वह आश्रयालंबन तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जागृत हो विषयालंबन कहलाता है। जैसे यदि रघुपति के मन में प्रिय यानी सीता के प्रति रति का भाव जागता है तो रघुपति आश्रय होंगे और सीता विभाव। ख, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन का अर्थ है उद्दीपन करना। जिन परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। एकांत स्थल, चांदनी, कोकिल कूजन, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं। तीन, अनुभाव। अनु का अर्थ है पीछे, अतः अनुभाव का अर्थ हुआ जो भाव के पश्चात जन्म लेते हैं। मनोगत भावों को प्रकट करने वाले विकार अनुभाव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए माता यशोदा द्वारा बालक मुरलीधर की चेष्टाओं का अवलोकन कर आनंद विभोर हो उठी और उन्होंने मुरलीधर की बलाएं ली, उन्हें गोद में लिया और कई बार चूमा। माँ यशोदा द्वारा बालक कृष्ण को चूमना, गोद में दुलारना और बलाएं लेना इस बात को प्रकट कर रहा है कि उसमें प्रेम भाव वात्सल्य जाग गया है। अतः माता यशोदा की ये चेष्टाएं अनुभाव कही जाएंगी। अनुभाव संख्या में आठ होते हैं। एक, स्तंभ। अंगों की जकड़न। शोक, हर्ष, भय आदि के कारण अंगों की गति शांत हो जाती है। दो, स्वेद। पसीना होना। श्रम, क्रोध, भय से पसीना आ जाता है। तीन, रोमांच। रोंगटे खड़े होना। हर्ष व विस्मय से रोमांच हो जाता है। चार, स्वर भंग। स्वर का गदगद होना। क्रोध, मद, भय से स्वर भंग हो जाता है। पांच, कंप। कांपना। क्रोध, भय, आनंद से भरकर आश्रय का शरीर कांपने लगता है। छह, विवर्णता। रंग फीका पड़ना। क्रोध, भय, शीत के कारण यह उत्पन्न होती है। सात, अश्रु।
आंसू बहना, शोक भय आनंद में आंसू बहने लगते हैं। 8. मूर्छा, होश खो जाना। इसकी उत्पत्ति काम, मद, लोभ से उत्पन्न होती है। 4. संचारी भाव, स्थाई भाव के बीच बीच में प्रकट होने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। ये कुछ समय के लिए जागृत होकर लुप्त हो जाते हैं। यदि यशोदा माता कान्हा की माखन चोरी से क्रोधित होकर उन्हें मारने के लिए छड़ी उठाती हैं, तो यशोदा माता का यह क्रोध अस्थाई है। कान्हा के प्रति वात्सल्य भाव के कारण ही उन्हें क्रोध आ रहा है। यहाँ पर उनका क्रोध संचारी भाव है। कान्हा जैसे ही क्षमा मांग लेगा, माता यशोदा का वात्सल्य उमड़ आएगा। क्रोध के रहते हुए भी यशोदा माता का कान्हा के प्रति प्रेम रहता है। अतः स्थाई भाव को प्रकट करने के लिए आश्रय के मन में जो भाव समय समय पर जागते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की सूची: हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानी, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहित्य, अपस्मार यानी मूर्छा, व्याधि, मरण, वितर्क। सुरभि, रस की परिभाषा और अंगों के बारे में सुनकर ऐसा लग रहा है कि रस अनेक प्रकार के होते होंगे। बिल्कुल सही कहा सारा, रस के 9 भेद होते हैं। मैं तुम्हें उनके नाम और स्थाई भाव के नाम बताती हूँ। रस के 9 भेद होते हैं। ये भेद हैं: 1. श्रृंगार रस, 2. हास्य रस, 3. करुण रस, 4. रौद्र रस, 5. वीर रस, 6. भयानक रस, 7. विभत्स रस, 8. अद्भुत रस, 9. शांत रस। रसों के नाम और उनके स्थाई भाव इस प्रकार हैं। रस का नाम, स्थाई भाव: 1. श्रृंगार रस, रति, 2. हास्य रस, हास, 3. करुण रस, शोक, 4. रौद्र रस, क्रोध, 5. वीर रस, उत्साह, 6. भयानक रस, भय, 7. विभत्स रस, जुगुप्सा, घृणा, 8. अद्भुत रस, विस्मय, आश्चर्य, 9. शांत रस, निर्वेद। सुरभि, तुमने रस के बारे में बताकर इसके लिए जिज्ञासा पैदा कर दी है। अब मैं भी रस की कविताओं की किताब खरीदना पसंद करूंगा। और हम भी। तो आओ फिर अपनी मनपसंद किताब ले लेते हैं। आइए दोहराएं। बच्चों, आज आपने सीखा कि साहित्य या काव्य पठन से जिस आनंद की प्राप्ति होती है, उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं: स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के 9 भेद होते हैं। ये भेद हैं: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस।